राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती राठौड़ समाज सेगांव द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाजजनों ने स्थानीय खेड़ापति सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से लोनार रोड होते हुए देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर परिसर तक बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में महिला पुरुष साफे में नजर आ रहे थे, वहीं बालिकाएं एवं महिलाएं बैंड बाजे पर झूमते हुए दिखे। साथ ही घोड़े पर सवार होकर वीर दुर्गादास जी की जीवंत झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यात्रा का नगर में आइसक्रीम और स्वल्पाहार से स्वागत किया गया। यात्रा के प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर परिसर में पहुँचने पर समाजजनों द्वारा समारोह का भी आयोजन किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज दुर्गादास जयंती पर रैली क्यों निकाली जा रही? राष्ट्रीय दुर्गादास राठौड़ की 385 जयंती के उपलक्ष्य में राठौड़ समाज सेगांव के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 11 वर्ष में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें समाज की एकता और अनुशासन के रूप में ये शोभा यात्रा भव्य विशाल रूप से निकाली जाएगी, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र रसगांव, दसनावल, घेगावा, तलकपुरा, डालकी, सिरकंडी और नागलवाड़ी के स्वजाति बंधु उपस्थित हुए। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली जाएगी? रैली हनुमान मंदिर बजरंग हनुमान मंदिर से लोनार रोड बस स्टैंड होते हुए लालबाई फूलबाई माताजी तक पहुंची। क्या नाम लिखते हैं? जयन राठौड़, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।